आपने पोर्शा कार कंपनी के बारे में सुना होगा, जो गाड़ियां बनाती है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स कार बनाती है। और उसने कोलैबोरेट किया है एओसी कंपनी से। एओसी ब्रांड सब जानते हैं, मोनिटर्स में बहुत बड़ा नाम है। और फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसा हो रहा है कि पोर्शा एक कार कंपनी और एओसी एक मॉनिटर कंपनी दोनों एक साथ आए हैं इस मॉनिटर के लिए। एगॉन PD32M मॉनिटर जो है बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर है। ऐसा मॉनिटर मैंने आज तक नहीं देखा, इस स्टूडियो में ऐसा मॉनिटर नहीं आया। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कई मॉनिटर्स में नहीं होती हैं। चाहे आप बेस्ट पीसी एक्सपीरियंस चाहते हो, चाहे बेस्ट ऑफिस एक्सपीरियंस चाहते हो, चाहे आप बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हो, या फिर आप तलाश में हो बेस्ट डिजाइन के, मतलब पोर्शा डिजाइन से बढ़िया क्या ही होगा, क्या प्रीमियमनेस आप ला सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक मॉनिटर कंपनी एक स्पोर्ट्स कार कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है। कई मॉनिटर्स आते हैं, कई प्रीमियम मॉनिटर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि एस जैसे मॉनिटर बहुत ही कम आते हैं। इसमें डिजाइन को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। जैसे स्टैंड आप देख रहे हो, मैं स्टैंड के बारे में भी बताऊंगा, कितने प्यारे स्टैंड है जो पोर्शा की कार्स आती हैं उनके स्टेयरिंग व्हील से इंस्पायर होके ये स्टैंड्स बनाए गए हैं। अगर आप तलाश में हो प्रीमियम डिजाइन के, तो ये मॉनिटर आपके लिए बिल्कुल हो सकता है। मॉनिटर तो सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी की बात कर दे रहे हैं। इसमें आपको 1152 डिमिंग जोन्स मिलते हैं। मॉनिटर की बैकलाइट अपने आप एडजस्ट कर लेती है आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी देने के लिए। पीक ब्राइटनेस इसकी 1400 निट्स है। यूनिक और रियल HDR एक्सपीरियंस मिलता है। गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रहा हूं, ऑब्वियसली बात है 4K पे 144 हर्ट्ज पे मैं कर रहा हूं। GPU और मेरा मॉनिटर सिंक है एकदम, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग के अंदर। इनक्रेडिबल कलर और कॉन्ट्रास्ट, ये मॉनिटर बेस्ट है, इसमें पिक्सल बर्न नहीं होंगे। HDR 1400 VESA सर्टिफाइड है, 10-bit पैनल है, 97% DCI P3 है, जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा ये मॉनिटर। PD32M के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एक गेमिंग मॉनिटर में आप चाहते हो। 4K रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है, इतना बड़ा और अच्छा मॉनिटर होगा 4K रेजोल्यूशन में तो आएगा ही। 144 हर्ट्ज से 32 इंच बड़ा है। आप 32 इंच के बारे में तो मेरे विचार सुनते आ रहे हो, एक साल से मैं कह पड़ा हूं 32 इंच की जय जयकार। ये डिस्प्ले मिनी LED डिस्प्ले है जो कि 4K रेजोल्यूशन में आता है। वन ऑफ द बेस्ट पिक्सल डेंसिटीज है मार्केट के अंदर। 4K होने के बावजूद भी 144 हर्ट्ज है, आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड, एक अच्छा PC चाहिए होगा इस मॉनिटर को पूरी तरह से यूज करने के लिए। बेस्ट एक्सपीरियंस तो तभी आएगा। IPS पैनल है, तो IPS पैनल तो आप जानते हो अपने कलर रिप्रोडक्शन, एक्सीलेंट व्यूइंग एंगल, फास्ट रिस्पॉन्स के लिए जाने जाते हैं। 1 millisecond का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम आपको मिल जाता है। और अडेप्टिव सिम टेक्नोलॉजी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तभी पूरा आनंद ले पाओगे आप अपने ग्राफिक कार्ड का। आपका ग्राफिक कार्ड और आपका मॉनिटर दोनों सिंक्रोनाइज होकर चलेंगे, तो टियरिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो फास्टेस्ट रिफ्रेश रेट है, आपको मोस्ट क्लियर स्मूथ आपको फ्रेम रेट्स देखने को मिलेंगे विदाउट एनी टियरिंग लैग और एनीथिंग। स्टैंड तो मैं आपको वीडियो में दिखा ही रहा हूं, ये मैं साफ कहना चाहूंगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इतना अच्छा स्टैंड मैंने आतंक दिया, अच्छे अच्छे स्टैंड देखे हैं लेकिन इतना प्यारा स्टैंड मैंने नहीं देखा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पोर्शो की जो कार्स आती हैं उनके स्टेयरिंग व्हील से इंस्पायर होकर ये स्टैंड बनाया गया है। मेटल का एर्गोनॉमिक स्टैंड है, कई मॉनिटर्स में प्लास्टिक के स्टैंड आते हैं, आप भी जानते हो। जब मैं ये अनबॉक्स कर रहा था तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कुछ कनेक्शंस देखे थे स्टैंड के ऊपर, जो ज्यादातर मैं नहीं देखता मॉनिटर्स में, वो इसलिए थे क्योंकि इसमें करंट फ्लो होता है मॉनिटर में, और इस करंट फ्लो होता है स्टैंड के अंदर, और स्टैंड के अंदर एक लोगो है प्रोजेक्टर। लोग स्टैंड में ज्यादा से ज्यादा RGB LED लगा देते हैं, इस स्टैंड में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो यहाँ नीचे की तरफ जो है लोगों को डिस्प्ले करता है, मतलब इसमें जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है स्टैंड के अंदर। वो आप चेंज भी कर सकते हो, लोगो PD या फिर दिखा लो आप PD का लोगो, या फिर एगॉन लिखा हुआ आता है, वो आपकी चॉइस है। 3-sided फ्रेमलेस आपको ये दिखाई दे रही है स्क्रीन, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये मॉनिटर इतना खूबसूरत जितना आगे से हो उतने उससे ज्यादा खूबसूरत पीछे से है। वन ऑफ द बेस्ट लाइट इफेक्ट्स जो मैंने देखे हैं, पूरे इसके स्पीकर्स पे RGB जलती है, ऊपर एक बार लगा हुआ है उस पर भी RGB चलती है, और मल्टीपल आपको RGB इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और अच्छे खासी ब्राइट RGB है। अगर पीछे आपकी बैकग्राउंड में वॉल है तो उस पर भी खूब RGB पड़ेगी, लेकिन मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ ये मॉनिटर जो है मैं तो दिखाना चाहता हूँ किसी काउंटर पे रख के, कि इसकी RGB से सामने से लोग देखें। मैं आपको RGB के इसमें कई सारे इफेक्ट्स दिखा रहा हूँ जो मॉनिटर में आपको मिलते हैं, कुछ भी इफेक्ट्स सेव कर सकते हो आप, रेनबो, ब्रीदिंग, स्टैटिक कलर, जैसे कि मैंने भी स्टूडियो में करके दिखाया, मैंने ऐसे रेड जो है मेरा वो PC था तो मैंने रेड थीम रखना चाहता था तो मैंने इसे रेड पे सेट कर दिया। बाकी एक नई बात बताऊं मैं, इसमें बूटअप लोगो भी आता है। जब आप मॉनिटर में पावर देते हो या पावर ऑन करते हो तो लिखा हुआ आता है पोर्शे डिजाइन और AOC, और आवाज के साथ आता है मैंने वो भी नहीं देखा। और जो OSD का डिजाइन है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं ये बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहली बार देखा था। मैंने OSD भी बहुत अच्छे देखे हुए हैं, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जो मॉनिटर की सेटिंग वगैरह के लिए आते हैं,
लेकिन इसमें भी एक नए लेवल का जो है OSD था। चलाने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, और OSD इतना अच्छा डिजाइन, यही कहानी खत्म हो जाती तो भी हम खुश थे। लेकिन आपको एक वायरलेस एक कीपैड मिलता है जिससे कि आप OSD की सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। ये इसलिए भी दिया गया है कि जब आप इतना अच्छा इतना प्रीमियम मॉनिटर ले रहे हो तो आप उसको मैक्सिमम यूज करना चाहते हो और उसकी सेटिंग्स आप जब तक चेंज करते रहोगे। अगर पीछे के बटन से आप ये सेटिंग्स चेंज करोगे तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता कभी किसी मॉनिटर में भी। तो उसके लिए आपको इस वायरलेस कीपैड की जरूरत पड़ेगी, और साथ में आप गेम खेलते हो, मूवी करते हो, काम भी करते हो, रीडिंग मोड भी आपको चाहिए, तो आप बार बार देती तो है कंपनियां लेकिन बार बार कौन जाके पीछे चेंज करता। तो आपको एक वायरलेस कीपैड मिलता है, आप यहीं से कर लो कि FPS गेम खेल रहे हो तो उस हिसाब से आपने सेटिंग्स कर ली, कोई रेसिंग गेम खेल रहे हो आप उसके हिसाब से सेटिंग्स कर ली। इसमें आपको ऑब्वियसली बात है हर तरह का कनेक्शन मिलेगा, HDMI 2.1 मिलता है आपको जो 4K 120Hz आराम से पास कर देता है, DPI 1.4 मिलता है DCS के साथ, ये PC गेमर्स के लिए है। और ऑब्वियसली बात है इस मॉनिटर में आप कई और चीजें भी कनेक्ट कर सकते हो, इतने सारे USB पोर्ट्स आपको दे रखे हैं, Blu-ray प्लेयर्स वगैरह कुछ भी जोड़ो आप इसके साथ। PD32M का जो ये स्टैंड है सब कुछ करने के लिए तैयार है ये, टिल्ट कर लो, स्विल कर लो, हाइट एडजस्टमेंट कर लो, पिवट मूवमेंट कर लो, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं, आप चाहो तो इसे वर्टिकली भी खड़ा कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है कि वो आपका कोई यूज होगा, कुछ कोडर वगैरह हो आप, लेकिन इतना महंगा मॉनिटर आप जो है वर्टिकली खड़ा करोगे वो मेरी समझ के परे है, लेकिन फिर भी कोडिंग वगैरह के लिए, कुछ करने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए आप इसको आराम से खड़ा कर सकते हो इफ यू वॉन्ट इट। कई और मॉनिटर्स में स्टैंड मिलते हैं वो भी अलाउ करते हैं, लेकिन इसमें करना बहुत ही स्मूथ था। जो भी है ना, जो भी जॉइंट्स वगैरह है वो सब बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, हर कुछ मेटल है इसमें। इस मॉनिटर के अंदर आपको दो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स मिलते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि लैपटॉप के स्पीकर्स और मॉनिटर्स के स्पीकर्स से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता। जो 2.1 आप स्पीकर सस्ता भी खरीद लाओगे उसमें भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स मुझे मॉनिटर में देखने को मिले, वन ऑफ द लाउडेस्ट स्पीकर्स मुझे देखने को मिले, और ऑब्वियसली बात है उस स्पीकर्स पर RGB लगी हुई है इसलिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। DTS सर्टिफाइड भी हैं वो स्पीकर्स। USB-C आपको जो है कनेक्शन मिलता है। आपके पास लैपटॉप है तो ऑडियो वीडियो तो आप ट्रांसफर कर ही सकते हो मॉनिटर पे, डाटा भी ट्रांसफर हो सकता है और लैपटॉप आपका चार्ज भी हो सकता है। पावर डिलीवरी आपको 90W तक की मिल जाएगी। मैं यही सोच रहा था जब मैंने अनबॉक्स किया ये मॉनिटर, इतनी बड़ी पावर ब्रेक है इसकी, इतनी बड़ी पावर ब्रेक है कि मैंने अभी तक नहीं देखी इतनी बड़ी। और मैं ये सोच रहा था ये मॉनिटर ठीक है 4K 144Hz का मॉनिटर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉनिटर्स में इतनी बड़ी बड़ी पावर ब्रेक्स क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि इस मॉनिटर से आप 90W की और पावर डिमांड करोगे तो वो आएगी तो सॉकेट से होती हुई, इस मॉनिटर के थ्रू होती हुई, तो पावर ब्रिक को और बड़ा करना ही था। इसमें आपको KVM भी मिलता है। KVM सॉल्यूशन की एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास PC और लैपटॉप दोनों हैं तो जो USB पोर्ट्स हैं जिसमें आप अपने पेरिफेरल्स जोड़ रहे हो जैसे कीबोर्ड या मॉनिटर, तो आप दोनों अपने कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे वो पेरिफेरल्स यूज कर सकते हो। और तो और इन सब इतनी चीजें आई हैं इसके साथ, इतनी क्वालिटी की चीजें आई हैं कि मैं उनकी तारीफ करते करते थके जा रहा हूं, और ये चीज तो भूल ही जा रहा था कि इसमें आपको जो है हेडफोन अपने टांगने की भी जगह मिलती है, और एक साइड नहीं दोनों साइड मिलती है, और वो प्रीमियम क्वालिटी का। कई और सॉल्यूशंस तो आते हैं लेकिन उसमें मजा नहीं आता उतना, प्रीमियम क्वालिटी का मेटल का बना हुआ आपको अपने हेडफोन टांगने के लिए स्टैंड भी मिलता है जो बिल्कुल मॉनिटर में घुस जाता, पता तक नहीं चलता, और दोनों साइड मिलता। सबसे अच्छी बात ये, कई देती तो है कंपनियां पर एक साइड दे देती हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, पहली बात तो मैंने यही उम्मीद नहीं करी थी कि मॉनिटर कंपनी और एक कार कंपनी का कोलैबोरेशन हो सकता है, और अगर कोलैबोरेशन होता है तो उससे वन ऑफ द बेस्ट डिजाइंड मॉनिटर्स निकल के आते हैं। टेक्नोलॉजी में तो ये सुप्रीम है ही मॉनिटर, बट अगर आप डिजाइन के भी शौकीन हो तो ये कमरे में रखने में बहुत ही अलग आनंद आएगा। खर्चा करने को लोग करते हैं, खूबसूरत चीजों पे बहुत कुछ खरीदते हैं, और आप तो जानते ही हो हम यहाँ पे PC कम्युनिटीज है तो कितने पैसे हम खराब करते हैं सिर्फ चीज अच्छी दिखने में। तो वो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे जिन्हें बेस्ट डिजाइन चाहिए, और मॉनिटर में तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। जो सुप्रीम चीज है, जो वन ऑफ द बेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, स्पोर्ट्स, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेंगे। कई चीजें तो मैंने इस वीडियो में बताई नहीं है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, कि USB से आप अपस्ट्रीम भी कर सकते हो, कई और चीजें भी कर सकते हो। इसमें आपको माइक्रोफोन के लिए जैक मिलता है। सीरियसली, आप अपने PC से माइक्रोफोन का कनेक्शन लगाओ इस मॉनिटर के अंदर, और मॉनिटर के अंदर डायरेक्ट अपना माइक्रोफोन आप लगा लो। ये तो अच्छे अच्छे मॉनिटर्स में भी नहीं देखा मैंने। तो इस तरह की इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं तो इस बात पे फोकस करना चाहूंगा जो बेसिक चीजें हैं। वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर क्वालिटीज आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। सारी टेक्नोलॉजीज मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें HDR 1400 सब कुछ सपोर्टेड है, वो बात ठीक है,
लेकिन फिर भी बहुत अच्छा देखने में लगता है। मैंने इसकी ब्राइटनेस बढ़ाई 1400 निट्स पे, आनंद ही आ जाता है। 1152 डिमिंग जोन्स, कम ऑन यार, कम ऑन। और मैं बताऊं, छोटी छोटी चीजें होती है, मैं आपको बताता रहूं बार बार इस मॉनिटर के बारे में, और मॉनिटर के बारे में सुनी सुनाई बातें होती है, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आपको एक वायरलेस कंट्रोलर मिल रहा है आपको मॉनिटर के साथ, आपको जो है जो लोगो है, बाकी मॉनिटर में लोगो तो मिल जाएंगे, एलईडी वाले लोगो होंगे, अच्छे तो वो भी लगते हैं, लेकिन कितनों के पास होगा कि उनके स्टैंड में जो है प्रोजेक्टर लगा है जो लोगो को डिस्प्ले करता है नीचे। वाह भाई वाह। जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। इतनी पैकिंग तो अच्छे अच्छे मॉनिटर्स में मैंने नहीं देखी है। जितनी इसकी पैकिंग आई है उसमें आराम से दो मॉनिटर आ सकते हैं। बॉक्सेस तो और भी आए हैं मॉनिटर्स के, लेकिन इसकी पैकिंग भयानक और अलग ही लेवल पे थी। जब ये मॉनिटर आया तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसके अंदर पीसीबी है या क्या है, सिर्फ मॉनिटर के लिए इतना बड़ा डब्बा थोड़ी ना होगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जो नॉर्मल मॉनिटर बड़े बड़े 32 इंच के मेरे पास आते हैं 4K वाले, उनसे भी कम से कम दो गुना बड़ा बॉक्स है इसका। मतलब वॉल्यूम वाइज अगर आप ले लो, चौड़ाई लंबाई वगैरह मिला मिला के, तो डबल होगा कम से कम। बाकी इस मॉनिटर के बारे में आपको जानना हो तो थोड़ा सा आप लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। आप में से कई लोग अगर नहीं भी खरीदना चाहते हो तो भी एक बार लिंक पे जाके आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी लो, मजा आ जाएगा। ये मॉनिटर अवेलेबल है amazon.india और AOC की खुद की वेबसाइट पे भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया में चैनल। तो अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।